अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुहर्रम में बनाए जाने वाला खिचड़ा लखनवी अंदाज में। इसके लिए हमने 1 किलो हड्डी और गोश्त लिया है, जिसको हमने धो के साफ करके रख लिया है। इस खिचड़े के लिए हमने सबसे पहले 1 कटोरी चने की दाल ली थी, जिसको हमने रात भर पानी में भिगो करके रख दिया था। 1 कटोरी हमने गेहूँ लिए थे खिचड़े में डालने वाले, उसको हमने रात भर भिगो के रख दिया था। 1 कटोरी मूँग की दाल ली है, 1 कटोरी माश की दाल ली है और 1 कटोरी मसूर की दाल ली है। सबसे पहले हम गोश्त पकाएंगे। इसके लिए हमने 5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 2 खाने का चम्मच हमने मिर्ची पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और 3 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। गोश्त में डालने के लिए 3 तेज़पत्ते ले लिए हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 5 से 6 लौंग ले ली है और 2 बड़ी इलायची ली है और 1 खाने के चम्मच हमने नमक लिया है। गैस जला के हमने कुकर रख दिया। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल कम से कम इसमें 150 ग्राम के करीब तेल डालेंगे गोश्त पकाने के लिए। गोश्त को पकाने के लिए हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट लिए। आधी प्याज हम इसमें तल करके निकाल लेंगे, बाकी आधी प्याज में गोश्त पका लेंगे। तेल गरम हो गया, हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज का थोड़ा थोड़ा रंग बदलने लगा, थोड़ा सा और गहरा हो जाएगा तो फिर हम इसको आधी प्याज को निकाल लेंगे और इसी में फिर हम गोश्त डाल देंगे बघारने के लिए। प्याज ब्राउन हो गई, अब हम इसको आधी प्याज को निकाल ले लेते हैं। बाकी प्याज में हम गोश्त बघारते हैं। बिस्मिल्लाह। ये 1 किलो गोश्त है और दालें सब मिला के दालें करीब 1.5 किलो की हमारी, 1.5 किलो दाल में 1 किलो गोश्त हम लोगों ने डाला है। सब दालें और ये गेहूं मिला के 1.5 किलो के करीब दाल है और उसमें हमने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। 1 किलो हड्डी वाले गोश्त के साथ में ये हम खिचड़ा पकाएंगे। उसी गोश्त में तेज़पत्ते डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, लौंग डालेंगे और इलायची डाल के ये नमक भी डाल के सब भूनेंगे एक साथ गोश्त में। गोश्त का पानी जब सब जल जाएगा तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 5 मिनट तक भूनेंगे इसको। देखिए गोश्त का कलर बदल गया है और गोश्त का पानी जल गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 5 मिनट तक के भूनेंगे। 5 मिनट तक हमने अदरक लहसुन के साथ में गोश्त को भून लिया। अब हमने जो मसाले निकाले सब एक साथ डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इन मसालों को हम कम से कम 15 मिनट तक के भूनेंगे। मसाले के जितने भी कच्चापन है सब निकल जाएगा जब तक इसको भूनेंगे। क्या मसाला भूनने से क्या मसाला गोश्त में उतर जाता है, इसके लिए मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है। जितना भूनेंगे उतना ही ये मज़े का पकेगा। गोश्त को हमने लगातार 15 मिनट तक भूना है। मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 मग पानी डालना है पहले, हम देखेंगे कितना पानी और डालना है इसमें गलने के लिए। एक मग पानी काफ़ी है, इसको हम रखेंगे आधे घंटे तक गलने के लिए। हमने कुकर बंद कर दिया है, इसको 1 मग पानी डाल करके इसको हम आधा घंटे गलाने के लिए रखेंगे। 1 सीटी आने के बाद में फिर हम गैस को स्लो कर देंगे, स्लो गैस में इसको गलाएंगे आधे घंटे तक। तब तक गोश्त गला, हम दाल गलने के लिए कुकर में डालते हैं। चने की दाल हमने डाली पहले और ये मसूर की दाल है
मूंग की दाल है और उड़द की दाल है, माश की दाल है, ये डाल दी। इसी में हमने भीगे हुए गेहूं भी डाल दिए, थोड़ा आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक चम्मच चाय का हल्दी पाउडर डालेंगे और एक खाने का चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। पानी डालेंगे, अभी हमने एक मग पानी डाला, दो मग पानी, अब ये तीन मग पानी डाल के इसको बंद करके हम पकाने के लिए रख देंगे। गैस को हमने छोटी आंच पर रख दिया है पकने के लिए और इसको हम बड़ी आंच पर रखेंगे 15 मिनट तक गैस दालों को गलाने के लिए। हम इसको रख हमने कुकर वो भी तेज आंच पे रखेंगे, स्लो आंच पे नहीं। दालें हमारी सब पक गई हैं, इनको हम अच्छे से घोट लेते हैं, सब दालें पके, एक से मिक्स हो जाए सब दालें। इसको जितना घोटेंगे उतनी दालें सब मिक्स होंगी, उतने मजे का बनेगा खिचड़ा। दालें मिक्स हो जा करके इसके लिए तो हमने रात में गेहूं और चने की दाल भिगो दी थी, क्योंकि यही दोनों चीज दालें जो हैं सख्त होती हैं, देर से गलती हैं। अब हम गोश्त देखते हैं खोल के। गोश्त एकदम गल गया है, गोश्त दाल में डाल देंगे। गोश्त हमने डाल के मिक्स कर दिया है, देखिए इतना गाढ़ा ये, जब इसको रखेंगे तो ये गाढ़ा होगा इसमें पानी। अब हम नहीं डालेंगे, अब हम इसको बघारेंगे, वापस से बघारने के लिए इसको रख देते हैं। देखो ये हमारा खिचड़ा तैयार हो गया है, ये देखिए ऐसा खिचड़ा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको बघारेंगे, इसके लिए हमने तेल रख दिया है, तेल गर्म हो गया, हम इससे प्याज डालेंगे। सिर्फ इसको हम प्याज से ही बघारेंगे और किसी से नहीं बघारेंगे, प्याज से बघारेंगे क्योंकि सारे मसाले पहले हम डाल चुके हैं इसके अंदर। प्याज से एकदम सादा सादा बघारेंगे। प्याज हो गई है, हम गैस बंद करते हैं, बघारते हैं इसको। फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई डालेंगे, अदरक डालेंगे और धनिया डालेंगे। इसको प्लेटिंग करके हम आपको दिखाएंगे। मुहर्रम में बनाए जाने वाला खिचड़ा लखनवी अंदाज में बनकर तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हमारे रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।